अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाइस साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी, एक दोस्त ने कुछ अजीब सा ही सवाल पूछा था, तो खैर उसको तो मैंने बता दिया था, तो सोचा चले एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं। तो उसने पूछा ये था कि जैसे सुना है या देखा है कि यूरोप अमेरिका वगैरह में वहां पर औरतों की हुकूमत ज्यादा है, तो क्या जापान में भी कुछ इसी किस्म का सिस्टम है कि अगर कोई बंदा गैर मुल्की किसी जापानी लड़की से शादी कर ले तो क्या ये भी प्रेशर डाल के रखती है बंदे के ऊपर, या किस किस्म के हालात हैं? तो मैंने उसको बताया भाई इस किस्म के हालात तो नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि मैंने ये काम किया हो तो ही मुझे पता हो। क्या बोलते हैं ना कि बारात खुद नहीं लेकर गए तो, लेकिन दूसरों की बारातें तो देखी है ना क्या क्या सिस्टम है। तो भाई यहाँ पर काफी दोस्तों से मेरी गपशप होती है, पता चलता रहता है कि जापान में इस किस्म के हालात नहीं है। यहाँ पर बहुत लोग सुलझे हुए हैं, ये जो लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं सब सुलझे हुए हैं, तो भाई इस किस्म के हालात नहीं है यहाँ पर। अगर कोई बंदा किसी गैर मुल्की से, कोई गैर मुल्की अगर जापानी लड़की से भी शादी करता है तो भाई जो नॉर्मल हालात है उसी तरीके से चलते हैं। कोई तंग नहीं करती, कोई पैसों के मामले में तंग नहीं करती, कोई खर्चा ज्यादा नहीं कराती। हाँ कोई एक तो अगर हो तो वो तो गलत चीज है, लेकिन ज्यादा अक्सरियत की बात ही की जाती है। तो भाई इस किस्म के हालात जापान में नहीं है, सुलझे हुए लोग हैं और सुबह काम शाम को घर, सुबह काम शाम को घर, यहाँ पर बिजी लाइफ है। और लड़कियां भी काम करती हैं, लड़के भी काम करते हैं। तो अगर कोई बंदा शादी करेगा तो उसकी बीवी, जिससे वो शादी करेगा बीवी भी काम ही कर रही होगी, तो शादी के बाद भी वो काम अपना जारी रखेगी, यानी कि इस तरह के हालात हैं। हाँ अगर वो काम नहीं करेगी तो वीजा मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बंदे को, ये भी इसमें चीजें हैं। तो ज्यादातर लड़कियां जो है काम करती हैं और इस किस्म के हालात नहीं है, ना घर में कोई लड़ाई झगड़ों वाला मामला तो मैंने सुने हैं ना दोस्तों ने बताए हैं। हाँ इसमें सिर्फ एक चीज होती है और वो है गैर मुल्की की शादी गैर मुल्की से, ठीक है। जैसे हमारा कोई बंदा पाकिस्तानी समझ लें और वो किसी गैर मुल्की से शादी करे, जैसे यहाँ पर काफी सारी हैं गैर मुल्की, थाईलैंड की है, मलेशिया की है, अपना चाइना चाइनीज है, चाइनीज बहुत ज्यादा है, वियतनाम की हैं लड़कियां, लड़के भी हैं, अपना म्यांमार के हैं और स्पेशली फिलिपाइन के तो अखीर है यहाँ पर। तो अब फिलिपाइन की लड़कियों के बारे में तो मैंने सुना है दोस्तों से कि ये थोड़ा सा बंदूक लोगों को तंग भी करती हैं। अब वजह इसकी क्या है कि इन्होंने खुद ये तरीके अपनाए हुए हैं जो आम बंदा अपनाता है ना, मसलन के भाई वीजों के लिए शादी की और वीजे वाला सिस्टम चले, तो इन्होंने भी यही काम किया है। तो जिस बंदे ने जो काम किया होता है ना वो उस चीज को अच्छी तरह से समझता है। तो ये लड़कियां जो है ना ज्यादातर 100 में से ज्यादा लड़कियां ये इस चीज को समझती हैं और ये बंदे को फिर तंग भी करती हैं, ऐसा मैंने दोस्तों से सुना है, बल्कि पैसे भी हर महीने उनसे लेती हैं ज्यादा। बाकी जापानी जो है वो ऐसा नहीं करती, जो आप मिलजुल के आपस में जो सिलसिला होता है वो चलता रहता है, लेकिन जो फिलिपाइन की लड़कियां हैं स्पेशली वो ऐसा करती हैं, वो कभी तो सैलरी ज्यादा भी लेती हैं, बंदे से पूरी सैलरी भी छीन लेती हैं। धमकी यही है जी वीजा कैंसिल करवा दूंगी, अगर उसका परमानेंट वीजा है तो आपने उससे शादी की और आपका वीजा उसके चल रहा है साथ में, यानी कि 4-5 साल तो मजबूरी है, फिर परमानेंट हो जाएंगे तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वही ये 4-5 साल आपसे भरपूर फायदा लेती हैं और ये पैसे वगैरह जो है ये आपसे ले लेती हैं, ज्यादा भी लेती हैं थोड़े भी लेती हैं, लेकिन वही बात है कि सारी एक जैसी नहीं है, कुछ अच्छी भी होंगी जो नहीं भी लेंगी, जो नॉर्मल लाइफ है उस तरह से गुजारा करेंगी, लेकिन अक्सरियत जो है ऐसा मेरे सुनने में आया है। बल्कि एक दोस्त ने तो बताया किसी बंगाली ने ऐसे शादी की तो वो तो उसको स्पेशली मारती भी थी, पैसे दो मारती थी, पैसे नहीं देता था तो मारती थी। उसने कुछ 6 महीने या 1 साल गुजारा किया और बाद में वो छोड़ के चला गया। उसने बोला भाई जब मैंने पैसे कमाने हैं तो तुमको ही देने हैं, तो मैं यहाँ पर रह के करना ही क्या है, कब मेरा 5 साल पूरे होंगे, 5 साल मैं जो भी कमाऊं तुमको ही देता जाऊं, तो मैं नहीं कर सकता। तो वो 6 महीने या 8 महीने बाद शादी के जो उसने पैसे कमाए वो लेती रही उसे, और बाद में उसको वो छोड़ के चला ही गया कि मैं ये करूंगा ही नहीं। तो इस किस्म के भी हालात हैं, लेकिन नॉर्मली अगर कोई जापानी से शादी करे तो भाई इस किस्म के हालात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जापानी लड़की आपकी पूरी हेल्प करेगी हर तरह से। अगर आपको जुबान नहीं आती उसमें भी, किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में, कहीं पर भी कोई काम हो गवर्नमेंट के लेवल पे या प्राइवेट भी कोई भी काम हो तो आपकी पूरी हेल्प वो करेगी साथ में, लेकिन तंग वगैरह नहीं करती। तो मेरे ख्याल से काफी सारी डिटेल मैंने बता दिया इसी एक ही वीडियो में, छोटी सी वीडियो में। अगर किसी ने कोई मजीद कोई चीज पूछनी हो तो मेरे फेसबुक पेज वाइस ऑफ जापान पे सर्च कर लें, वहां पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऐड है, तो वहां पर मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, जितना मुझे मालूम होगा इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।